दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय रिवाइव फिजियोथेरेपी धर्मशाला। ज्वाली 32 मील मार्ग पर सड़क के किनारे डंगा निर्माण का इन दिनों काम चला हुआ है और ठेकेदार मनमानी से यहां सुबह पेपर देने जाते स्कूली छात्र छात्राओं की प्राइवेट बसें हर रोज रोक दे रहा है, जिससे परीक्षा देने जा रहे छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार कुछ प्राइवेट बसें इस रास्ते से तो गुजरने देता है, लेकिन स्कूली छात्रों की बसें रोक दी जाती हैं। कई बच्चे परीक्षा देने के समय से आधा घंटा लेट पहुंच रहे हैं और बच्चों के पेपर अधूरे रह रहे हैं। इन दिनों हर जगह छात्र छात्राओं की परीक्षा चल रही है और ज्वाली के कुछ छात्र धर्मशाला, शाहपुर और रैत में परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार की मनमानी से इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं इस बारे में SDM अरुण शर्मा का कहना है कि स्कूली छात्रों को ऐसी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, इसकी जांच की जाएगी और PWD को निर्देश दिए जाएंगे कि परीक्षा तक 10 बजे से पहले बसें जाने दी जाएं। हेलो, मेरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकल अनुकृति। हेलो। हेलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुकृति। क्या, कहाँ की रहने वाली है? मैं भरमाड़ की। हाँ, तो कहाँ पे आपका सेंटर कहाँ था? मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो क्या हुआ, बस क्यों रुकी, क्या कारण है? अब पता क्या हुआ, जैसे ही बस वहाँ पे आई ना, तो वहाँ से ना बस के जाने जो का रास्ता था, तो उसने ना एक तरफ JCB लगा दी ना, और दूसरी तरफ आके खुद खड़ा हो गया, मतलब अपने वर्कर्स के साथ ना, और उसने बस नहीं निकलने दी। और फिर वहाँ से बोला कि JCB वाले को कि यहाँ से ना तो ये उखाड़ दे, पूरा खड्डा कर दिया। मतलब जानबूझ के कर रहा है? हाँ जी, जानबूझ के। उससे पहले वाली बस गई थी निकल के वहाँ से। नहीं, आपको कोई परेशानी हुई पेपर में? हाँ जी बिल्कुल अंकल, मेरा 11 बजे पेपर था, मैं 11:15 बजे पहुंची, मेरे को 15 मिनट कम मिले, मेरा 10 अच्छा। नंबर का क्वेश्चन छूटा हुआ, मुझे नहीं पता है कि वो मैं उस पेपर में पास होंगी या नहीं। अच्छा, नहीं तो ये जबरदस्ती है या कोई कारण है इसका? जबरदस्ती था, अगर उसने हमसे पहले वाली बस को जाने दिया था तो हमें भी तो पूछ रहा हूँ, बाकी बसें जा रही हैं? हाँ जी, बाकी बसें जा रही थी उसी रोड पे के नहीं? अब तो फिर वो बंद ही कर दिया ना उसने हमारी बस के बाद, बट उससे पहले बसेस गई थी। अच्छा, हाँ जी, और तभी मतलब 5-10 मिनट पहले जब आपकी बस गई तब रास्ता साफ था? हाँ जी, जब आपकी बस गई तब रास्ता क्लियर था? हाँ जी, तब रास्ता खुला था पहले। अच्छा, मतलब आपको इसका ऑब्जेक्शन है इसका कि नहीं जाने के लिए? हाँ जी, आपके ऊपर मतलब वो हमारी बस के जाने के बाद वो खड्डा कर देता, उसके बाद बसेस बंद हो जाती, वो बात अलग थी, बट उसने जानबूझ के तब परेशानी में रहे, फिर हम सारी जितने कसूरवार क्या है कि बस वाले कसूरवार है जो विभाग वाले कसूरवार है? हाँ जी, इसमें कसूर किसका है ज्यादा, विभाग का कसूर है या बस का कसूर है? बस का कसूर कैसे अंकल, अगर बसेस का कसूर होता तो उसने सारी बसेस रोकनी थी ना, उसी का कसूर है। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? हम दोषी को मानते हैं क्योंकि उसने सामने देख के ऐसा किया। है कौन दोषी, कौन है? विभाग है, PWD डिपार्टमेंट दोषी है या बस वाले दोषी? डिपार्टमेंट भी है, जब डिपार्टमेंट को पता है कि वहाँ से कोई और साधन नहीं है तो उसको जल्दी जल्दी वो काम करवाना चाहिए ना, ऐसे रास्ता बंद करवा के तो कोई वो वे आउट नहीं ना निकलेगा किसी चीज का। अच्छा, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि विभाग की लापरवाही है? विभाग की लापरवाही है। अब हमें मतलब उसी कॉलेज पहुंचने के लिए हमें आधा घंटा और एक्स्ट्रा निकाल के दूसरे वाले रास्ते से जाना पड़ रहा है। आज फिर मेरा पेपर है तो आज फिर मैं लेट पहुंचूंगी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विभाग ही जिम्मेदार है, हमारी तो कोई गलती नहीं है, ना ही बस वालों की गलती है। आपका क्या नाम बताया, दोबारा बताइए? मेरा नाम अनु। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ज्वाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को धर्मशाला के रिवाइव फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आजीवन निशुल्क हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डॉक्टर मालविका राणा का कहना है कि आम लोगों के लिए कमर दर्द, कोहनी दर्द, पैर का दर्द, गठिया, सर्वाइकल अधरंग, स्लिप डिस्क, शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द को यहाँ ठीक किया जाता है। पैर में मोच आना, घुटने की दर्द, कमर की दर्द, स्लिप डिस्क है, कमर में डिस्क का हिलना जिससे टांग में दर्द जाती है, उसका इलाज, कमर की स्टिफनेस, गर्दन का इलाज, टेनिस एल्बो का इलाज, ये सारा हम अपने क्लिनिक में करते हैं।